आज हमारे साथ बॉलीवुड स्टार मुंबई से सुशांत सिंह जी हैं। आज जानेंगे किसान आंदोलन पर इनकी क्या राय है। मैं राय क्या दूंगा, राय तो किसानों की चली, तो मैं तो साथ में खड़ा हूँ क्योंकि किसान परिवार से हूँ। मेरे दादा किसान थे, ताऊ चाचा सारे किसान हैं, मेरे भाई सारे ताऊ चाचा के लड़के वो खेती कर रहे हैं, तो वहीं से जुड़ा हुआ हूँ। बिजनौर का हूँ और चौधरी साहब महेंद्र सिंह टिकैत साहब उनका नाम सुन के बड़े हुए, वो एक बड़े हमारे किसान नेता निकले चौधरी चरण सिंह जी के बाद। तो मम्मी के परिवार से चौधरी साहब ये नेतृत्व कर रहे हैं और इस तरफ मैं कल आया था तीसरी पे, उसके बाद यहाँ तो आना ही था क्योंकि अपने साइड के जितने यूपी वाले थे यहीं पे यूपी उत्तराखंड तो मिलने आना ही था। मैं तो किसानों के साथ हूँ, किसानों की जो भी मांग हो वो पूरी हो, क्योंकि किसानों के बारे में जो बिल है उनसे बेहतर तो कोई समझ ही नहीं सकता। अगर वो ना इससे नाराज हैं, खुश नहीं है, तो बिल गलत ही है, इससे ज्यादा तो हमें जानने की जरूरत ही नहीं है। तो आप इस संबंध में जो आपके दूसरे साथी हैं, क्या कभी उनसे भी राय हुई कि इस देश में जो किसान आंदोलन चल रहा है उसका क्या कारण है, क्या तरीके हैं, इस तरह की कोई चर्चा होती है बॉलीवुड में? जी ऐसा देखिए, ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड एक कोई परिवार जैसा है जहाँ पे सब लोग शाम को मिलते होंगे या सबकी फोन पे बात होती होगी। और मैं बड़ा नॉन फिल्मी टाइप का आदमी हूँ जी, मेरे कोई ज्यादा फिल्मी दोस्त भी नहीं, घर पे रहता हूँ। जो दोस्त मेरे स्ट्रगल के टाइम पे बने थे वही दोस्त थे, उनसे ही बातचीत होती है और वो सब अपनी जैसी सोच वाले हैं। और बॉलीवुड या बाकी चीज़ आप छोड़ दीजिए, मुंबई में अभी दो दिन पहले भी वहाँ पर किसान आंदोलन के समर्थन में एक रैली हुई थी, मोर्चा हुआ था, मैं वहाँ भी गया था, काफ़ी सारे लोग आए थे। उससे पहले भी करीब महाराष्ट्र के 10,000 किसानों ने आकर के मुंबई में प्रदर्शन किया था और अभी भी आज़ाद मैदान में और महाराष्ट्र के किसान आके वहाँ बैठने वाले हैं। महाराष्ट्र के कई भाई यहाँ आंदोलन में पहुँचे भी हैं। तो दो चार आवाज़ें तो भाई नेगेटिविटी की हर आंदोलन में उठती हैं और पूरा हक है, उनका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है जी। अगर उन्हें गलत लगता है, दो चार आवाज़ें जो गलत है उनको लगता है गलत है, तो वो बिल्कुल उन्हें बोलने का पूरा हक है। लेकिन हम जो हैं, जो समझते हैं, जो समर्थन में हैं, हमें समर्थन में बोलने का पूरा हक है। तो ये तो डेमोक्रेसी है और इसमें कोई ऐसा नहीं है कि लड़ाई तो होनी थी, अपने हक की मांग हो रही है और बड़ी पीसफुल शांतिपूर्ण तरीके से और हिंसात्मक तरीके से अपने हक की मांग हो रही है, वो मानी जानी चाहिए, सुनी जानी चाहिए। अभी तक वार्ताएं जितनी भी हुई हैं सरकार के साथ उनका कोई नतीजा नहीं निकला, जो बड़ा ही दुखद है क्योंकि इतने 50-60 दिन होने को आ गए, किसानों को 2 महीने तकरीबन होने को आ गए सड़कों पर बैठे बैठे, कितने लोगों की जान चली गई इसमें, शहीद हो गए, और उसके बाद भी अगर नतीजा ना निकले बैठकों का तो ये चिंताजनक है। बाकी आगे जो 26 जनवरी का कॉल है, मैं तो यही प्रार्थना करता हूँ कि सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से, जिस रास्ते पर अब तक चले हिंसा के रास्ते पर, किसानों ने तो अब तक कोई हिंसा की नहीं, उनके साथ ही हुई है हिंसा। और मुझे पूरा विश्वास है कि किसानों की तरफ से 26 जनवरी को भी पूरा शांतिपूर्वक आयोजन होगा जो भी हो। तो सरकार से भी ये अपील है कि इसमें सहयोग दें, अपनी जायज मांग रखें। और 26 जनवरी को ऐसा दिन है जिस दिन गणतंत्र बना था, जिस दिन हमारा संविधान जो है यहाँ मान्य हुआ था, तो संवैधानिक तरीके से मांग कर रहे हैं, उस दिन तो इनको प्रोटेस्ट की पूरी इजाजत होनी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। बाकी दलजीत सिंह और आप जैसे लोगों के बाद एक बहुत चर्चित नाम है स्वरा भास्कर जी, जी। और वो पिछले 15-20 दिन से जिस बहादुरी के साथ वो लड़की किसान आंदोलन के साथ खड़ी है और लड़ रही है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? जी, वो बड़ी दिलेर और जुझारू लड़की है, वो चाहे NTCA प्रोटेस्ट रहा हो या और भी कोई भी अन्याय रहा हो, वो भी खुल के बेबाकी से अपनी राय रखती है। वो है जीशान अयूब है, रिचा है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। ऐसा नहीं कि अगर कुछ लोग नहीं बोल रहे हैं तो बहुत सारे लोग हैं जो बोल भी रहे हैं, नकुल मेहता एक और हमारे साथी हैं, फिर बहुत सारे लोग हैं जो हर जब भी जहां किसी के साथ भी अन्याय होता है उन्हें चाहे पर्सनली फर्क पड़ता हो ना पड़ता हो, लेकिन क्योंकि हमें लगता है कि हमारी आवाज़ ज़्यादा लोग सुनते हैं, तो हमें लगता है हमारी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे लोग जिनकी आवाज़ ज़्यादा दूर तक नहीं पहुँच रही है उनकी आवाज़ को एक शक्ति दें अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए, हमें लगता है हमारी जिम्मेदारी है, तो हम करते हैं और अपना समझ के करते हैं जी। ऐसा नहीं कि हम किसी और के लिए कर रहे हैं, हमारे ही देश के लोग हैं और देश हमारे बच्चों का ही है, तो देश का भविष्य अच्छा होगा तो हमारे बच्चों का भविष्य अच्छा होगा, तो हम लड़ रहे हैं। मैं सारी लड़ाई जो भी लड़ता हूँ जी, मैं किसी और के लिए नहीं लड़ रहा, मैं तो आप स्वार्थी कह लो, मैं तो अपने बच्चों के लिए लड़ रहा हूँ।